एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही हाईलाइटेड होने वाली है फीमेल ब्रेस्ट के बारे में। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मेल आए हैं, कमेंट में भी मैंने पढ़ा है कि लोगों के ये मानना है कि फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को पंप करने से या दबाने से यू नो उसका साइज बढ़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके पीछे लोग लॉजिक को ये मानते हैं कि शादी के बाद अक्सर फीमेल पार्टनर की जो ब्रेस्ट साइज होती है वो बढ़ जाती है, और लोग इसको उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ उसके पति ने शायद पंप किया होगा जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ा होगा। इसके पीछे रियलिटी क्या है? सबसे पहले ना हम इसके मेकानिज्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, फिर रीज़न भी बता देंगे कि शादी के बाद क्यों उसका साइज बढ़ गया और क्या उसके पति के दबाने से वो बढ़ा। तो आइए बात करते हैं। फीमेल पार्टनर की जो ब्रेस्ट होती है वहाँ पे कोई बोन नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। वो कुछ टिश्यूज और हज़ारों के तादाद में नर्व्स से बनते हैं। बहुत ज़्यादा टिश्यू मसल जो होता है, मसल टिश्यू होता है स्पॉन्ज टाइप का, उस टिश्यू से बनता है और उसके अंदर हज़ारों के तादाद में सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, और इस मसल्स में हज़ारों डक्स होते हैं, जो मिल्क डक होता है वो डक्स होते हैं, ग्लैंड्स होता है। तो ब्रेस्ट की मेकानिज़म कुछ ऐसी होती है, और ये जो मसल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसल्स होते हैं, क्योंकि एक बार ये मसल अगर ख़राब हो जाए ना तो रिपेयर होने में काफ़ी वक्त लगता है। ऐसा कोई बॉल नहीं है, कोई गुब्बारा नहीं है जिसको गुब्बारे भी दबाने से बढ़ते नहीं हैं। तो फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट दबाने से कैसे बढ़ सकते हैं? इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, कुछ भी कहो, फीमेल पार्टनर की ब्रेस्ट अगर बढ़ती है तो उसके पीछे काफ़ी वजह है। पंप करने से वो कभी नहीं बढ़ता, उल्टा अगर आप गलत तरीके से अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को पंप करते हो, ज़ोर से दबाते हो, स्क्वीज करते हो ना, तो उससे सैगिंग हो जाती है, यानी कि जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो सैग कर जाते हैं, मतलब के लटक जाते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फीमेल पार्टनर शादी के बाद उसकी ब्रेस्ट इसीलिए बढ़ा लेती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। यू नो शादी के बाद जब वो इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाती है रेगुलर बेस पे, तो उससे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होता है, वो उनके बॉडी में ये जो चेंजेस होता है ब्रेस्ट में, चेंजेस जो ब्लड स्टिमुलेशन होता है, ब्लड सप्लाई होती है ब्रेस्ट में, इससे साइज बढ़ती है। जो ब्लड स्टिमुलेशन बढ़ता रहता है ब्रेस्ट के आजू बाजू के एरिया पे, ये उसके मसल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसी वजह से आफ्टर मैरिज नो नई नई शादीशुदा लड़कियाँ लड़के जो है वो डेली बेस पे इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, और बॉडी में ब्लड सप्लाई जो होती है वो बार बार तेज़ी से होती है, हर वो बॉडी पार्ट पे होती है, प्राइवेट बॉडी पार्ट पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो पाती है, सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, तो इसीलिए साइज जो होता है वो बढ़ता है, और विजिबल चेंजेस वो देख पाते हैं जब वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। एंड आफ्टर बेबी यू नो हम सभी जानते हैं कि वो फिर डेवलप होता है, मिल्क डक डेवलप होते हैं, इसीलिए साइज बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसीलिए ना शादी के बाद फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वो साइज में नेचुरल तरीके से बढ़ती है। किसी के पति के ज़ोर ज़ोर से दबाने से फीमेल पार्टनर की ब्रेस्ट कभी नहीं बढ़ सकती। अगर ऐसा होता ना तो शादी छोड़ दो, हर लड़कियाँ अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए किसी ना किसी लड़के से ज़ोर ज़ोर से दबाती और उसका साइज बढ़ जाता। फिर इतना ज़्यादा रिसर्च और इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस चीज़ें मार्केट में नहीं आती। तो ये फजूल की बातें हैं कि मेल पार्टनर के थ्रू दबाने से, मतलब कि पंप करने से साइज बढ़ती है। अगर आप सचमुच अपने फीमेल पार्टनर के साइज़ को बढ़ाना चाहते हो या खुद आप अपनी ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो मसाज इकलौता ऐसा तरीका है जिससे साइज़ बढ़ सकता है, क्योंकि मसाज से ब्रेस्ट में ब्लड स्टिमुलेशन ठीक तरीके से होती है, ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जो मसल्स होते हैं वो टोन्ड होते हैं, और मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे तेल, मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्रीम अवेलेबल हैं जो दावा करते हैं कि वो ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में मदद करता है। आप ऐसे किसी भी क्रीम या तेल को चूज़ कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि वो कोई भी केमिकल प्रोडक्ट ना हो। यू नो दावा तो बहुत कुछ करते हैं, बट वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए,
आयुर्वेदिक होनी चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट जो होती है ना वो सेंसिटिव नर्व्स और टिश्यू से बनी होती है, तो ये आपको फ़ायदा देने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नमयका बस प्लम्पिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो खासियत ये होती है कि ये आपके साइज़ को बढ़ाने में, रेगुलर अगर आप इससे मसाज करते हो अपने ब्रेस्ट की, तो ये आपके साइज़ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ अगर सैगिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है तो उसको भी ठीक करने में, टाइट करने में आपको काफ़ी मदद करता है। बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है, आपको चिपचिपापन महसूस नहीं होगा, बहुत ही जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। ये आपके ब्रेस्ट के स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर करता है। यू नो विंटर का टाइम है तो बहुत बार हम अपने ब्रेस्ट में थोड़ा सा खींचापन और पिगमेंटेशन को हम फील करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में मदद करता है, साइज को बढ़ाता है, सैगिंग की प्रॉब्लम को रोकता है। इसमें कोलेजन है, शिया बटर है, विटामिन ई है, अमाइनो वेक्टर्स हैं, नटमेग है, मैकाडमिया शीड ऑयल है, ग्लिसरीन है, ऐसे बहुत सारे खास इंग्रेडिएंट्स। और कोलेजन तो बहुत ही हेल्पफुल होता है स्किन के लिए, ये एजिंग को रोकता है, तो आपकी ब्रेस्ट की जो सैगिंग है, जो टिश्यूज के डैमेज की वजह से होता है, ये कोलेजन उसको काफ़ी मदद करता है आपके स्किन को टाइट रखने में और एंटी एजिंग में। तो अगर आप खास तौर से नेचुरल तरीके से, यू नो किसी मत के प्रेशर से नहीं, नेचुरल तरीके से अपने साइज को बढ़ाना चाहते हो, सैगिंग की प्रॉब्लम को रोकना चाहते हो, कोई पिगमेंटेशन वगैरह, कोई भी स्पॉटिंग वगैरह या मॉइस्चर को अपने ब्रेस्ट में ऐड करना चाहते हो, सुरेल बनाना चाहते हो, तो रेगुलर बेस पे इस क्रीम से आप मसाज करके एक बार देख सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। माय डियर, हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं ना बहुत ही सेंसिटिव होता है, एक बार ये खराब हो गया ना तो रिपेयर होने में बहुत ही वक्त लगता है, तो ये इन सारी मिथ को बिल्कुल फॉलोअप ना करें कि जोर जोर से दबाने से, पंप करने से या कुछ करने से साइज बढ़ता है। अगर कोई मर्द भी ऐसा सोचता है ना तो अपने दिमाग से ये घटिया चीज़ें निकाल दो। अपने फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को कभी भी पंप मत करना जोर जोर से, कभी भी इसको गुब्बारा सोच के एकदम फोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी प्यारी चीज़ है, उसको स्टिमुलेट करो, उसको सहलाओ, फीमेल पार्टनर को भर के प्यार करो, और दबाना प्यार देने का तरीका नहीं होता, इससे उसकी बॉडी शेप खराब हो सकती है। और अगर आप एक फीमेल पार्टनर हो और आप भी ऐसा कुछ सोचते हो तो बी अवेयर, ये सारी चीज़ें झूठी होती है, कभी भी ज़ोर ज़ोर से दबाने से या कुछ करने से साइज़ नहीं बढ़ता, उल्टा सैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, सो बी अवेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड और सब्सक्राइब। थैंक यू।